भारत माता की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, नमस्ते सदा वसले मातृभूमि जैसे गर्जनाओं से गीतकार व लेखक मनोज मुंशीर ने नागपुर में राष्ट्रप्रेम का जागर किया। मनोज मुंशीर ने कहा कि राष्ट्रप्रेम की गंगोत्री भारत के हृदय स्थल रहे नागपुर में डॉक्टर हेडगवान ने हिंदू राष्ट्र की बीज बोया था। वासुदेव कुटुंबकम का विचार देने वाले, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए प्रयास करने वाले हमारे हिंदू राष्ट्र पर सभी को गर्व होना चाहिए। अपनी बात रखते हुए मुंशीर ने जिसमें गिरती सारी नदियां वो सिंधु है हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं हिंदू है हम, कविता पेश की। मुझे सचमुच आज बहुत गर्व है कि मैं उस धरती पर खड़ा हूं जहां डॉक्टर हेडगेवार ने, हमारे आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज से प्रेरणा लेकर हिंदू राष्ट्र का बीज बोया था। वो बीज जो आज कल्प वृक्ष बन चुका है, वट वृक्ष बन चुका है। मैं आपकी मौजूदगी देख रहा हूं यहां। आज 100 करोड़ लोग अपना परिचय कैसे देते हैं? क्या है मेरा और आपका परिचय? मैं शंकर का वो क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयं कर पुकार, जलते मरघट का धुआं धार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय हिंद। कैमरा पर्सन अमोल के साथ अभिषेक पांसी, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।